हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट। पिछली वीडियो में हमने जाना क्या होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, क्या है इसके बेसिक फॉर्मूले और बेसिक क्वेश्चन। आज हम कुछ थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन उससे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है मैं कि अगर साधारण ब्याज से कोई धन दस वर्ष में दोगुना हो जाता है, 10 वर्ष में क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। यानी साधारण ब्याज से कोई धन 10 वर्ष में कितना हो जाता है, दोगुना हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं हमारा जो धन है, यानी जो धनराशि है, जो मूलधन है, वो कितना है, 100 रुपये मान लेते हैं। और 100 से कितना हो जाता है, वो 200, दोगुना यानी 100 से 200 हो जाता है। कितने वर्ष में, 10 वर्ष में। यानी कोई धन मान लिया हमने 100, और 100 से हो गया 200 यानी दुगुना, और कितने वर्ष में, 10 वर्ष में। हमें दर निकालनी है, तो अगर दर का हम फॉर्मूला देखें तो क्या होगा हमारा, ब्याज इंटू 100 भाग में मूलधन गुणा समय। यहां से अगर देखें तो हमारे पास ब्याज क्या आएगा, अब 100 रुपये थे और 100 से कितने हो गए, 200 हो गए। यानी ब्याज कितना लगा, 100 रुपये ब्याज, यानी हमारा ब्याज कितना, 100 रुपये। 100 रुपये तो हमने मान लिया था मूलधन, ये था हमारा मूलधन, और 100 रुपये जो है 200 रुपये हो गए थे। यानी 100 से कितने ज़्यादा हो गए, 100 रुपये और ज़्यादा हो गए। यानी 100 रुपये ब्याज लगा इंटू ये 100 लिख दिया यहाँ पे। मूलधन, मूलधन हमारा कितना, 100, और समय हमें कितना दे रखा है, 10, तो काट देंगे। तो ये हमारा 10 क्या आ गया, 10% जो आ गई हमारी दर आ गई। ये भी कुछ ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं था, बेसिक सा ही है, बस समझने की जरूरत है क्या कहता है क्वेश्चन में। इस टाइप के सभी क्वेश्चन लगभग हम इसी तरीके से करेंगे। जैसे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये कहता है साधारण ब्याज से जो कोई धन है वो 20 वर्ष में कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। बीस वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो क्या निकालनी है, हमें दर निकालनी है, दर ज्ञात करो। तो वही हमारा फॉर्मूला, वही तरीका। यानी 100 रुपये हम मान लेते हैं अपना मूलधन, यानी 100 रुपये की हमारे पास राशि थी, और 100 से कितनी होगी, 3 गुना, यानी 100 का 3 गुना 300 रुपये होगी। कितने वर्ष में, 20 वर्ष में। अब यहाँ अगर देखें तो 100 से कितनी ज़्यादा होगी, 100 से 300 हो गई, और कितनी ज़्यादा, 200। यानी 300 क्यों होगी, क्योंकि 100 पे 200 रुपये जो हमारा ब्याज लग गया, 100 पे 200 रुपये ब्याज लग गया। तो वही फॉर्मूला हम लगाएंगे दर का, ब्याज, ब्याज कितना लगा, 200 रुपये, ब्याज गुणा 100। मूलधन कितना है हमारे पास, 100, और समय कितना, 20, तो काट देंगे इसको, ये काट देते हैं 0, 2 से 10। यानी दर क्या आ गई हमारी, 10%। यानी 10% से, 10% की दर से वो राशि 20 वर्ष में 3 गुणी हो जाएगी। आप कोई भी राशि मान सकते हो, वो 3 गुणी हो जाएगी। यानी अगर यहाँ पे हम 200 ले लें तो भी सेम हमारा रहेगा। यानी 200 रुपये से 3 गुना हो गया, तो कितना हो गया, यहाँ अगर देखें मूलधन हम ले लें 200 रुपये, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 200 का 3 गुना हो जाएगा, 600। यानी ब्याज कितना लग गया हमारा, 400। यानी 200 से 600 हो गई, इसमें क्या है, 400 रुपये ब्याज और एड हो गया। तो ब्याज गुणा 100 और हमारा मूलधन इंटू समय, तो ये 200 से काट दें 2 पे, और ये 20 से काटें 5। यानी यहाँ भी हमारी दर क्या होगी, 10%।
दर हमारी सेम रहेगी, चाहे आप राशि कोई भी मान लो। एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है कितने समय में कोई धनराशि जो है, कोई राशि जो है वो 20% की दर से दुगनी हो जाएगी। अब हमें क्या पूछ लिया, दर की जगह समय। अब हमें समय पूछ लिया, यानी 100 रुपये से वो राशि कितनी हो जाती है, 200 रुपये। दर कितनी, 20%। तो यहाँ से अगर देखें तो ब्याज कितना हो जाएगा, 100 से कितनी होगी, 200, यानी 100 रुपये ब्याज और एड हो गया। ये हमारा हो गया मूलधन। तो हम फार्मूला लगाएंगे समय का, क्या रहेगा हमारे पास, जैसे हमें यहाँ ब्याज दिया है, जहाँ भी ब्याज दिखाई दे, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि जहाँ भी हमें ब्याज पता लग जाए तो सबसे पहले ब्याज 100, ब्याज गुणा 100 डिवाइड बाई, बाकी दो चीज़ें हमारे पास और होंगी, एक मूलधन हो गया, एक दर हो गई। तो यानी 100 × 20 मूलधन गुणा दर, यहाँ से इसको काटें कितना आ गया हमारा, 5 वर्ष। समय पूछा है हमें तो 5 वर्ष। तो इस तरीके से हमें इस टाइप के लगभग क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें थोड़ा सा और ज्यादा मिक्सिंग कर लेते हैं दो टाइप की। अब कहता है कोई धन 5 वर्ष में क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। 5 वर्ष में क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। कितने वर्ष में यह है, 8 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष में, 8 गुना हो जाएगा। अगर दर हमारी सेम रहे, यानी दर जो इसमें है वही यहां रहेगी, दर हमारी जो है समान रहेगी। तो पहले तो हमें दर निकालनी पड़ेगी इस ट्रिक से, पहले वाले से, पहले इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, दर निकालेंगे। तो कोई धन 5 वर्ष में दुगना हो जाता है, यानी वही मानेंगे हम, 100 रुपये से कितना हो गया, 200 रुपये। कितने समय में, 5 वर्ष में। तो ये हमारा क्या हो गया, मूलधन। 100 रुपये से राशि कितनी होगी, 200, यानी ब्याज कितना, 100 रुपये ब्याज लग गया। तो यहाँ से अगर दर निकालें तो हमारा हो जाएगा ब्याज गुणा 100 डिवाइड बाई मूलधन इंटू समय। तो इसको अगर काटें तो ये कितनी आ गई दर हमारी, 20%। दर हमारी क्या होगी, अब 20%। अब पहले इक्वेशन से हमें दर पता चल गई, और दूसरी इक्वेशन में हमें क्या पता करना है, समय, यानी कितने समय में वो 8 गुना हो जाएगी। दर हमारी बराबर रहेगी, तो देख लेते हैं, 100 रुपये मान लेते हैं इसमें भी, 100 से कितनी हो जाएगी, 800, यानी ये हमारा मूलधन। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 700, और दर कितनी हमारी, 20%। तो यहाँ से हम समय निकाल सकते हैं, अगर ब्याज दिया है तो ब्याज गुणा 100 और मूलधन 100 × दर 20। तो इसको अगर काटते हैं तो क्या आ गई, 35, यानी 35 वर्ष में वो राशि उसी दर से क्या हो जाएगी अपनी, 8 गुना हो जाएगी। एक क्वेश्चन हमें कहता है 2.5 वर्ष के लिए 1200 रुपये का साधारण ब्याज है, जो 1000 रुपये के ब्याज से 50 रुपये अधिक है, ब्याज की दर ज्ञात करो। यहाँ हमें क्या निकालनी है, दर निकालनी है। क्या कहता है क्वेश्चन, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। 2.5 वर्ष के लिए 1200 रुपये का साधारण ब्याज 1000 रुपये के ब्याज से 50 रुपये अधिक है, यानी 1200 रुपये पर 2.5 वर्ष तक ब्याज लगा, और उसी दर से ब्याज लगा 1000 रुपये पर, कितने समय के लिए, 2.5 वर्ष के लिए। ब्याज कौन सा ज़्यादा, 1200 रुपये ज़्यादा, 1200 रुपये का ब्याज ज़्यादा, कितना, 50 रुपये। अब 1200 रुपये का ब्याज जो है क्यों ज़्यादा है, क्वेश्चन को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। यानी 1200 रुपये का ब्याज जो है वो ज़्यादा है 1000 रुपये के ब्याज से,
अब क्यों ज़्यादा है? क्योंकि राशि ज़्यादा है, यहाँ तो 1,000 रुपये पर ब्याज लगना है और यहाँ 1,200 रुपये पे, यानी इसमें भी 1,000 रुपये पर तो लगा ही लगा, इसमें भी लगा, लेकिन 200 रुपये पर जो ब्याज लगा वो एक्स्ट्रा था, यानी 50 रुपये, यानी 200 रुपये की राशि पर जो ब्याज लगा वो ब्याज कितना था? 50 रुपये। कितने वर्ष में? 2.5 वर्ष में। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें समझनी बहुत ज़रूरी है कि 1,200 रुपये पर ब्याज लगा और 1,000 रुपये पर ब्याज लगा, समय बराबर है, दर भी बराबर है, यानी जितनी समय और जितना दर इसमें दे रखा है उतना ही उसी दर से ब्याज 1,000 रुपये पर लगेगा, लेकिन ब्याज ज़्यादा जो है वो 1,200 रुपये का ब्याज ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि 1,000 रुपये से राशि ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 200 रुपये। अगर 200 रुपये राशि ज़्यादा है तो 200 रुपये पर ही ज़्यादा ब्याज लगा होगा, तभी तो ये 50 रुपये अधिक है। तो हमें दर निकालनी है, तो दर यहाँ से निकल सकती है आसानी से, यानी 200 रुपये पे जो ब्याज लगा है वो कितना? 50 रुपये। समय भी हमें दे रखा है, समय कम थोड़ा सा, 16 करें 2 दून 4 और 1 5/2 वर्ष। तो यहाँ से अगर हम दर निकालें तो अगर हमें ब्याज दे रखा हो तो ब्याज गुना 100, और दो चीज़ें हमें और दे रखी, ये हमारी राशि या मूलधन हो गया, मूलधन गुना समय। समय कितना है? 5/2। ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो इसको अगर काटें, ये 2 0 काट दी, ये 2 काट दिया, 5 से 10, यानी दर क्या आ गया हमारी? 10%। यानी 10% से अगर इसको चेक करना चाहिए हम, तो 1,200 रुपये पर कितना ब्याज लगेगा? 2.5 वर्ष में, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया हमारा 25, यानी 1 साल में अगर 10% लगता है तो 2 साल में 20% लगा, और 2.5 साल में 10% का आधा और 5% और लगा, यानी 2.5 साल में कितना लगा टोटल? 25%। तो 1,200 पर 25% जो ब्याज है निकालें तो कितना हो गया? ये हमारा हो गया 50 और 30, 300 रुपये। अब यहीं अगर 1,000 रुपये पर चेक करें, यही सेम, तो 2.5 वर्ष के लिए ही लगाएं, दर 10% ही रहेगी, तो 25/100, तो ये कितना आ गया? 250। अब यहाँ से अगर देखें तो 1,000 रुपये का ब्याज कितना बना? 250 रुपये, और 1,200 रुपये का ब्याज कितना बना? 300 रुपये, जो कि 50 रुपये ज़्यादा है, लेकिन ये हमें नहीं करना, हमें सिर्फ दर निकालनी थी जो हमने निकाल दी। इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है कई बार पूछ लिए जाएं। एक दो और क्वेश्चन देखें हम। एक क्वेश्चन कहता है, ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होने से 2,000 रुपये के ब्याज में 80 रुपये की वृद्धि होती है, तो समय ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए मैथ में कि क्या हमें दे रखा और क्या निकालना है, तो हमें समय निकालना है। और ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होने से 2,000 रुपये के ब्याज में 80 रुपये की वृद्धि होती है, यानी ज़्यादा उलझा के दे दिया, थोड़ा सा सिंपल इसको समझें तो, यानी 2,000 रुपये पर अगर 2% की दर से ब्याज लगे तो 80 रुपये ब्याज होता है, कितने समय में होता है हमसे ये पूछ रहा है, यानी सीधा सीधा हमें ब्याज दे रखा है, राशि दे रखी है और दर दे रखी है, हमें सिर्फ समय निकालना है। तो ब्याज कितना दे रखा है? 80 गुणा 100, यानी ब्याज गुणा 100, और दो चीज़ें हमें जो दे रखी है, 2,000 गुणा 2% जो दर, तो ये 3 0 हमने काट दी, 2 2 4, 4 6 इसको काटें तो 2, यानी 2 वर्ष में। अगर चेक करना चाहें कि 2,000 रुपये पर 2 वर्ष में 2% की दर से कितना ब्याज लगेगा, तो 1 साल में कितना लगता है? 2%, तो 2 साल में कितना हो गया? 4%, यानी 4/100, यानी 20 चौके 80, जो हमें दे रखा है। क्वेश्चन की बस स्टेटमेंट हमें समझनी है कि 2% की वृद्धि हो तो 2,000 रुपये के ब्याज में 80 रुपये, यानी अगर 2% की दर से ब्याज लगे तो ब्याज कितना बनता है? 80 रुपये। कितने रुपए पर? 2,000 रुपये पर। समय हमें निकालना है कि 80 रुपये कितने समय में बनता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन
कहता है कोई धन 3 वर्ष में 690 तथा 5 वर्ष में 750 रुपये हो जाता है, तो वो धन क्या है? यानी 3 वर्ष में कितना हो जाता है वो? 3 वर्ष में 690 और 5 वर्ष में कितना हो गया? 750। तो हमें वो धन निकालना है, यानी 3 वर्ष में 690, 5 वर्ष में 750। अब 690 से 750 हो गया, यानी 60 रुपये ब्याज और लग गया, 60 रुपये ब्याज लग गया। कितने समय में? 2 वर्ष में। 2 वर्ष में अगर 60 रुपये ब्याज लगता है तो या तो हम 3 वर्ष का निकालें या 5 वर्ष का निकालें। 2 वर्ष में कितना? 60 रुपये ब्याज। तो 3 वर्ष में ब्याज कितना होगा? 3 का निकाल देते हैं एक बार। तो 60 गुना, अगर ये चीज़ हमें निकालनी है तो ये हम गुना में लिख देंगे। तो 2 वर्ष में कितना लगता है? 60। तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? 3 वर्ष में ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए ज़्यादा से गुणा और जो बच गया उससे भाग। इससे अगर काट दें तो ये 30 30 90, यानी 90 रुपये ब्याज। या सीधा हम सिग्मेट्री से करें तो 2 को अगर कितने से गुणा करें तो 60 आएगा, यानी 2 को अगर गुणा करें हम 30 से तो 60 आएगा, यानी हम 3 को भी किस से गुणा कर देंगे? 30 से गुणा कर देंगे। तो कितना ब्याज? 90 रुपये। यानी 3 साल पे ब्याज कितना बनता है हमारा? 90 रुपये। 3 साल में जो ब्याज है वो कितना बनता है? 90 रुपये। अभी यहाँ 3 साल में वो धनराशि कितनी हो गई? 690, यानी 3 साल बाद हो गई, क्योंकि 3 साल तक उसमें ब्याज लगा है। अब 90 रुपये ब्याज लगा है 3 साल में, इसमें से अगर ब्याज यानी 90 घटा दें हम तो क्या बच गया हमारा? 600 रुपये राशि। जो हमने कल मिश्र धन का एक छोटा सा फॉर्मूला देखा था, या मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, यानी ये जो 690 रुपये हो दे रखे हैं हमें, इसमें मूलधन तो है ही और 3 वर्ष का ब्याज भी है, क्योंकि ये 3 वर्ष बाद इतनी हो जाती है। इन 3 वर्ष ब्याज लगने के बाद 690 हो गई। अगर हम इसमें से 3 वर्ष का ब्याज जो है वो घटा दें तो क्या बच जाएगी हमारी? अगर ब्याज घटा दें तो क्या बच जाएगी? धनराशि या मूलधन हमारा बच जाएगा। अगर यहीं से हम 5 वर्ष का निकाल के करें, यानी 2 वर्ष में कितना ब्याज लगा? 60। तो 5 वर्ष में कितना ब्याज लगा होगा? यानी इसको अगर 30 से गुणा हम करते हैं तो 5 को भी कितने से गुणा करके लिख देंगे? 30 से। तो इसको अगर 30 से गुणा करें तो कितना ब्याज लग गया? 150 रुपये। यानी 5 साल में ब्याज कितना लगा? 150 रुपये। ये भी हमें विसर्जन दे रखा है। अगर इसमें से घटाएं तो हमें 3 वर्ष का घटाना पड़ेगा ब्याज, क्योंकि यहाँ 3 वर्ष बाद इतनी हुई है। और अगर इसमें से घटाएं तो हमें 5 वर्ष का ब्याज जो है घटाना पड़ेगा, क्योंकि 5 वर्ष बाद इतनी हो जाती है, यानी इसमें 5 साल का ब्याज ऐड है। अगर 5 साल का ब्याज है हमारा 150 रुपये, अगर इसमें से ये घटा दें तो कितना बचेगा? 600। वो चाहे आप इससे कर लो या इससे कर लो, आंसर हमारा सेम ही आएगा। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें आंसर सेम ही आएगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, कहता एक राशि 3 वर्ष में 1040 रुपये तथा 7 वर्ष में 1360 रुपये हो जाती है, तो राशि ज्ञात करो। तो 3 वर्ष में कितनी होगी हमारी? 3 वर्ष में वो राशि होगी 1040 और 7 वर्ष में 1360। अब 3 वर्ष में 1040 और 7 वर्ष में 1360, यानी ये ब्याज जो है इसका कितना ज्यादा हो गया? 320। 320 रुपये ब्याज ज्यादा लग गया। क्यों? क्योंकि 4 साल का समय भी तो ज्यादा है, यानी 4 वर्ष में जो ब्याज लगा वो कितना था? 320। यानी इन दोनों का डिफरेंस हमारा 4 वर्ष और इनका डिफरेंस 320, यानी 4 वर्ष में ब्याज कितना लगा? 320। यानी 1 वर्ष का हम निकालें तो 80 रुपये। 320 को अगर 4 से डिवाइड कर दें तो एक वर्ष का हमारा आ जाएगा कितना? 80 रुपये। यानी 1 साल में कितना ब्याज लगता है हमारा? 80 रुपये। अगर यहाँ से हम देखें कि 3 वर्ष में कितना ब्याज लगा होगा, अब अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा? 240। यानी 3 वर्ष में कितना ब्याज लगा?
240। तो ये हमें 3 वर्ष का ब्याज ऐड करके मिश्रधन दिया हुआ है। अगर इसमें से हम 3 वर्ष का ब्याज अगर घटा दें 240, तो कितना हो जाएगा हमारा 800 रुपये। ये क्या आ गया हमारा मूलधन। अगर 7 वर्ष से देखें तो भी हमारा सेम ही आएगा। अगर हम यहाँ 7 की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी हमारी, यानी इसको 1 की वैल्यू को अगर यहाँ से देखें, 1 को कितने से गुणा करें तो 7 आएगा, 7 से, यानी इसको भी कितने से गुणा कर दें, 7 से, तो ये हो गया हमारा 560। यानी 7 साल में कितना ब्याज लगा, 560 रुपये। तो यानी अगर 1360 में से हम 560 घटा दें तो कितना आ जाएगा हमारा, 800 रुपये। अब इसी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ सकता है, दर भी पूछ सकता है कि दर ज्ञात करो, क्या दर रही होगी। तो दर निकालने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, मूलधन। यानी ये मूलधन तो हमें निकालना ही पड़ेगा। अब दर अगर निकालनी हो तो या तो इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं या इससे, या यहाँ से देखें कि 1 वर्ष में कितना ब्याज लगता है, 80 रुपये। यानी ब्याज जो है हमारा 80 रुपये, ब्याज गुणा 100, और हमारा मूलधन 800 गुणा समय। समय अगर हमने 1 वर्ष का ब्याज लिया है तो समय हमें 1 लिखना है। अगर हम यहाँ से 4 वर्ष का ब्याज लेंगे, यहाँ अगर 320 लिखेंगे तो यहाँ भी कितना लिखेंगे, 4। तो यहाँ से अगर हम इसको काट दें तो ये कितना आ गया, 10। 1 वर्ष का समय लेके हमने कर लिया, 10% की दर आ गई। अगर 4 वर्ष में देखें तो भी सेम रहेगा, 4 वर्ष में ब्याज कितना लगता है, 320। यानी ब्याज गुणा 100 डिवाइड बाई मूलधन कितना, 800। अब गुणा समय कितना आ जाएगा, अगर हमने 4 वर्ष का ब्याज लिया है तो समय भी 4। अगर यहाँ पे हम 320 की जगह 560 रखते हैं, यानी 7 वर्ष का अगर ब्याज रखते हैं यहाँ पे 560, तो समय भी कितना आता, 7 आता है। यहाँ पे इसको अगर हम काट दें तो 8 से ये 4 और 1 0 40, और इससे काटें तो 10। यानी यहाँ से भी दर कितनी, 10%। वो चाहे आप इससे निकाल लो, इससे, या 4 से, या 1 से, दर जो है वो बराबर रहेगी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन अगर करें तो कहता है कोई राशि 3 वर्ष में 368 रुपये तथा 5 वर्ष में 400 रुपये हो जाती है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 368, और 5 वर्ष में कितनी, 400। यानी कितनी ज़्यादा हो जाती है, 32 रुपये ज़्यादा। क्यों हो जाती है 32 रुपये ज़्यादा, क्योंकि 2 साल तक ब्याज जो है इसमें और एड हो गया। यानी 2 साल में ब्याज हमारा कितना लगता है, 32 रुपये। तो यहाँ से अगर हम या तो 3 साल का निकालें ब्याज जो है, या 5 साल का। 3 साल का अगर निकालें तो कैसे निकालेंगे, 2 को अगर कितने से गुणा करें तो 32 होगा, तो गुणा 16। अगर इसको भी 16 से गुणा कर दें तो 3 साल का ब्याज हमारा कितना हो गया, 48। ये सिग्मेट्री है, थोड़ा अच्छा तरीका है, इसको आप सीख लें। यानी 2 को अगर हम 16 से गुणा कर दें कितना आया, 32। तो उसी तरीके से अगर हम 3 को भी 16 से ही गुणा करेंगे, यानी 3 साल का ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 48। अगर 3 साल का ब्याज हमारा है 48 रुपये, तो इसमें से अगर हम ब्याज घटा दें तो ये क्या बच जाएगी, धनराशि। ये कितनी हो जाएगी हमारी, 320। या फिर यहाँ से हम 5 वर्ष का निकालें, यहाँ पे हम रखते हैं 5, यानी 2 को अगर 16 से गुणा करें तो 32। यानी 5 को भी कितने से गुणा करना पड़ेगा, 16 से, तो 16 5 80। यानी 5 वर्ष का ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 80 रुपये। अगर इसमें से हम 80 रुपये ब्याज जो है वो घटा दें तो क्या बच जाएगी हमारी, राशि। यानी यहाँ हमारा मूलधन कितना आ गया, 320। चाहे आप इस तरीके से निकालो या इससे, मूलधन हमारा वही रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट आप जरूर करें, लाइक भी जरूर करें, ताकि हमें पता चलता रहे कि वीडियो आपको बढ़िया लगी, ताकि और भी बढ़िया वीडियो हम लेके आ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बढ़िया क्वेश्चन कुछ देकर।